ये आप क्या कर रहे हैं? वो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे मुझे काफी सफोकेशन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये खिड़की थोड़ी सी खोल दूंगा तो दोनों तरफ से हवा चलेगी एंड आई विल फील बेटर, इसीलिए। ओह कमाल है, अभी तो सर्दी के दिन है और ऑलरेडी इतनी ठंडी है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, ठंडी का मौसम होने के बावजूद आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे यू नो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। आई थिंक वो आग के धुएं का असर शायद मुझ पर भी हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। सोचो अगर आपका हाल ऐसा हो रहा है तो करण सर और ऋषभ जी का क्या हाल हो रहा होगा? और आप तो अंदर गए भी नहीं, इनफैक्ट वो दोनों फंसे थे आग के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हीरो वाला काम किया है दोनों ने, ऐसे डेयरिंग दिखाई है, ये ना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए दी को बचाने के लिए। सुपर हीरो है ना? उन दोनों की ज्यादा तारीफ मत करो, क्योंकि तुम मेरी होने वाली साली हो। अगर मेरा खून खौल गया और अगर मैंने ये महसूस कर लिया कि तुम उन दोनों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही हो, then I'm sorry, प्रीता के साथ साथ मैं तेरी लाइफ भी बर्बाद कर दूंगा। So please, ज्यादा गुस्सा मत दिला मुझे। आपको पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमीर घर के लड़के अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। ये समीर को ही ले लो ना, इतना इरिटेटिंग सा बंदा है, हमेशा मुझे इरिटेट करते रहता है। एक तो पहले से ही है शॉर्टी, ऊपर से स्टुपिड सा एक्सप्रेशन लेके यहाँ वहाँ घूमते रहता है। लेकिन मुश्किल के समय में वही मेरे साथ खड़ा था। हाँ थोड़ा कम बोलता है बट साइलेंटली मुझे सपोर्ट करते रहता है। आपको पता है मैं प्रीता दी को लेके बहुत टेंस्ड हो गई थी, बट उसने मुझे समझाया, मुझे कंसोल किया, एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। राइट शिष्टि, यू नो व्हाट, काफी टाइम हो गया है एंड यू नो व्हाट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लूथरा बॉयज की तारीफें तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकूं इस वक्त। सो आई थिंक आई शुड लीव, चलता हूं मैं। अब चाय आपने पी ली ना? या थैंक यू फॉर द टी, मैं अभी काफी स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूं, सो आई विल टेक योर लीव। फाइन, आप भी जाकर फिर आराम कीजिए। बाय, गुड नाइट। अब आप जा ही रहे तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूं, क्योंकि हमें हमारे घर में चिली ठंडी हवा नहीं चाहिए। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है, मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है। लगता है मुझे और कोई तरीका ढूंढना होगा अंदर जाने का। So, bye. Good night. Good night to you too. Bye. Bye. सॉरी एक्चुअली आई थिंक मैं अपना फोन भूल गया हूँ यहाँ पर, याद नहीं आ रहा कि फोन मैंने रखा कहाँ। ये रहा, मेरी जेब में था। मैं भी ना, आई एम सो सॉरी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। इससे पहले कि ये खाना चल के राख हो जाए, हम लोग रोस्टेड चिकन बन जाए जैसी था। हम तो हम नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन? आप उसकी बकवास बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, वो इस सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही मिस्टर क्रेजी लूथर है। करण, ये करण भी ना एकदम ओरिजिनल कूल क्रेजी बंदा। ऋषभ जी सही कहते हैं, वो आग की वजह से पागलों की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में कोई कीड़ा है पागलपंती का। गौरव हंसी आ रही, उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था। थी किसके बारे में सोच रहे हो, करण सर या पृथ्वी? हाँ क्यों, तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों उस करण के बारे में सोचूंगी? मेरी जिंदगी में बेटर चीजें हैं करने के लिए। वो डफर करण इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी वजह से मैं अपनी नींद खराब करूं, समझी? हाँ तो ठीक है, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है?
आप कब से इधर से उधर और उधर से इधर हो रही थी इसलिए पूछ। और वैसे भी करण सर ने अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी जान बचाई है, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि आप उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। हाँ तो क्या हो गया, तो वो हीरो बन गया क्या? हीरो वीरो कुछ नहीं है, एक तू ही है जो उसकी चमचागिरी करती फिरती है। अरे मैं तो उसे इतना सा भाव भी नहीं देती, और खुद को देख ले, इधर से उधर तो तू भी हो रही है, और क्यों हो रही है ना मुझे सब पता है। क्यों भाई? समीर की वजह से हो रही है, अब मुझे भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे उसका नाम नहीं दिया। मेरा मतलब है अब ये पागलों वाली गेसिंग गेम बंद करते हैं, ठीक है? मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। दी को कैसे पता चला कि मैं समीर के बारे में सोच रही हूँ और इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी? हाँ सृष्टि को कैसे पता चला कि मैं करण के बारे में सोच रही थी? बस कर प्रीता, हाँ हटा दे ये टॉपिक अपने दिमाग से, वरना तू भी पागल हो जाएगी। वो मेरा गला बहुत सूख रहा है, मैं किचन में पानी पीने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, आपकी छोटी बहन, उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बेवकूफ बनाओगे। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपको किसका कॉल आ रहा है। किसका कॉल आ रहा है? कॉल नहीं आ रहा है, वाकई किचन में जा रही हूँ, प्यास लग रही है। वेरी स्मार्ट, छुपा क्यों रहे हो दी, बता दो ना। और वैसे भी मैंने आपकी फोन की लाइट को ना लुपा छुपी खेलते हुए देख लिया है, अब बताओ किसका फोन है? पृथ्वी का कॉल है। ओ पृथ्वी, हाउ बोरिंग, बाहर जाके बात करना क्योंकि मैं तो सो रही हूं। ओके बाय। सृष्टि, क्यों समीर के बारे में सोच रही है? इसलिए तुझे नींद नहीं आ रही है? ओए बदबूदार हवा के झोंके, क्यों मेरे दिमाग में आके रुक रहे हो यार? प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। अरे कहाँ चले गए वो? यही कहीं होगा, तू अच्छे से देख, हमारी जिम्मेदारी है कहीं बस के जाना नहीं चाहिए। अरे वो चोर, तुम आके खाना कमाने वाले का चुरा के खाता है। पागल है क्या? मैंने तुझे चोर को पकड़ने के लिए कहा, उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं। अरे थोड़ी नसीहत तो दे रही थी ना दी, करण सर ना सही कहते हैं, आप इन्हें किसी की बात समझते ही नहीं हो। तो जोर तुम्हारा मुझे। करण सर? हाँ। करण की बात कहाँ से आ गई? बस वैसी। थैंक गॉड इन दोनों को ये नहीं पता कि ये पार्क हुई कार मेरी है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहां से निकलूंगा कैसे? कोई बात नहीं। प्लस पॉइंट तो ये है कि हमने एक बुरे आदमी को भागने पर मजबूर कर दिया। क्या पीछा किया है हमने दी, मजा आ गया। अच्छा अभी अगर चोर का किस्सा खत्म हो गया हो तो क्या हम करण सर के बारे में बात कर सकते हैं? हाँ क्यों, करण के बारे में क्यों? वो आप कोई ना कोई बहाना बनाकर करण सर का टॉपिक निकाल ही लेते हो, और जब मैं पूछती हूँ तो आप उल्टा मुझ पे इल्जाम डालते हो कि तूने टॉपिक स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा करण सर के बारे में पूछ ही लूँ कि आप उनके बारे में बात करना चाहते हो नहीं चाहते हो। और वैसे भी थी, आप तो करण सर के ख्यालों में खो ही रहती हो ना। व्हाट, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी? ही नॉट माय है, तेरा दिमाग ना घास चरने चला गया। घास चरने? प्रीता, सृष्टि, क्या हुआ? होना क्या है माँ, मुझे चढ़ा रही है और क्या। अरे मैं चोर के बारे में पूछ रही हूँ। ओह माय गॉड दी, आपने तो प्रूफ कर दिया कि आप करण सर के बारे में ही सोचती रहती हो, माँ तो चोर के बारे में पूछ रही थी। मामा, क्या? चोर भाग गया, चोर भाग गया, उसे पकड़ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, अब भाग गया तो चलो अंदर चलो, मैं दरवाजा बंद कर लेती। चल ना, चल। दी ये विंडो का लॉक तो जैम्ड है, इसलिए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सका। आपको क्या हुआ, इतने टेंस क्यों हो गया? सृष्टि मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसे फीलिंग? पता नहीं, वो
आदमी यहाँ चोरी करने आया था या किसी और इरादे से? क्या बोल रहे हो, मतलब क्या है आपका? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी का चोरी का इरादा नहीं था, कुछ और इरादे से इस घर में आया था। अरे दी, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हो? क्या डाउट है मन में, बताइए ना क्या। देख ना, लाइट ऑफ थी, मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठी थी और जान के आंधी इधर है, अनकॉन्शियस है, उन्हें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। करेक्ट। तो अगर वो चोर इस कोने में छुपा हुआ था और उसे घर से बाहर निकलना था तो वो इतनी सारी जगह पड़ी है यहाँ से चुपचाप निकल जाता। अरे मेरी भी आंखें बंद थी, लेकिन वो यहाँ नहीं जा रहा था, वो इधर आ रहा था। हाँ, तभी तो मेरे पैर से टकराया, इधर आ रहा था जान के आंटी के पास। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा दी? और चलो अगर उसको जान के आंटी को देखना था तो वो चोरों की तरह घर में क्यों घुसा और पकड़े जाने के डर से मुंह छुपा के क्यों भागा वो? उसे जान के आंटी को देखना नहीं था, उनको। ओह माय गॉड दी, मैंने सोचा ही नहीं।